जो कांग्रेस पार्टी के दोनों जिलों के कार्यकर्ता हैं, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। ये शानदार चुनाव आप लोगों ने लड़ा और ये शानदार जीत कांग्रेस पार्टी की हुई है। इस जीत का श्रेय मैं दोनों जिलों के कर्मठ वाले कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात मेहनत कर हमको लक्ष्य तक पहुंचाया है, मैं आप सबका बहुत अलग के साथ, बहुत आदर के साथ धन्यवाद करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। जनाध्यक्ष जी ने आप सबको यहां पर बुलाया, हमको भी बुलाया और मन से सभी साथियों ने अपनी बात रखी और ये बात सही है कि माधोपुर में, गंगानगर में, पूरे माधोपुर में अच्छा बढ़त हम लोगों को मिली है और हमारे जिले से भी 8 विधानसभा क्षेत्रों में, 6 विधानसभा क्षेत्रों में हम लोगों को लीड मिली है। और जैसा किसी ने कहा कि 10 साल के बाद यहाँ पर दोबारा कांग्रेस पार्टी का सांसद अंतर गया है, तो ये चुनाव साथियों बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि आसपास के तमाम जिलों में कांग्रेस पार्टी को शानदार जीत मिली है। दौसा लोकसभा क्षेत्र में मेरे ख्याल 20 साल के बाद कांग्रेस पार्टी जीती है, वहां से हम लोग 2,40,000 वोट से जीत कर रहे हैं। दौसा से, गोरखपुर से, धौलपुर करौली से, भुई शेखावटी से, गंगानगर से 11 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने राजस्थान में जीती हैं। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज जो संख्या बल भाजपा का इकट्ठा है, जिन नेताओं ने संसद में खड़े होकर कहा था कि हम 370 सीट जीत कर आएंगे, जिन नेताओं ने कहा था कि हमारा गठबंधन 400 सीट लेकर आएगा, उस दल को चुनाव में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी के पास डॉक्टर जी, हमारी छोटी बहन को टिकट हमें लेकर दिया था, बहुत कम वोट से हारी थी और इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ी है भरतपुर से। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा और जैसे जनता ने समर्थन किया है, तो सत्ताधारी दल का धन बल और संसाधन सब धरे रह गए और एक गरीब घर की नौजवान लड़की को, महिला को पार्टी ने टिकट दिया और जनता ने जिताया। और जैसा आपने कहा, वो 26 साल की हैं और ये मुझे लगता है कि 26 साल की खास उम्र है। हाँ, तो मैं भी 26 साल में MP बन गया था और मुझे किसी ने कहा कि भाई ये आपसे शायद उम्र में कम है, तो मैंने कहा जो रिकॉर्ड है वो बनते टूटने के लिए, मुझे बड़ी खुशी है कि इस प्रकार के रिकॉर्ड टूटे और एक दलित परिवार की एक सज्जन महिला को लोगों ने जिताकर संसद में भेजा। मैंने कहा भाई मुझे खुशी है हरीश मीणा जी को जनता ने जिता के भेजा है, अच्छे बहुमत से जिताया है, मैं जनता का साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मेरे क्योंकि मैं यहां से विधायक हूं, मेरे आग्रह पर, मेरे वोट की अपील पर लोगों ने मोहर लगाई है और अच्छे बहुमत से जिताकर भेजा। चुनाव नहीं जीत पाए सीट बदल के, कई जगह हम नहीं जीते हैं लेकिन और मेहनत करेंगे अगली बार, पिछली बार भी वो नहीं जीत पाए थे, इस बार भी जीत हासिल नहीं कर पाए, लेकिन अगली बार और मेहनत करेंगे और कहीं से जीत के आएंगे।